तो अदनान भाई की कॉल आ रही है, सुनते हैं क्या बोलते हैं। अभी अभिषेक भाई का कॉल आया है, मैं एक बार बात कर लेता हूँ। हेलो हेलो रिजल्ट क्या आया? हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। नहीं कहा अभी मैं जो स्पीड में वो स्पीड में हमेशा आप लोगों को बाइक चलाना चाहिए। क्या क्या मतलब साइकिल है और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह कुसेरा बाजार में इसको आप लोग गूगल पे सर्च तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का एक और न्यू व्लॉग में। तो आज का जो व्लॉग है वो मेरे रिजल्ट पे होगा। तो आज आप लोगों को पता होगा कि HSC का रिजल्ट आया, आज 8 जून है। तो आज HSC का रिजल्ट आया है जो कि आज हम लोग देखेंगे साथ में, जो कि ऑलरेडी आ चुका है रिजल्ट, तो हम लोग साथ में देखेंगे। पहले तो मैं जा रहा हूँ नहाने, नहाने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ, फिर साथ में रिजल्ट देखेंगे। चलो तो हम लोग हो चुके हैं नहा के बिल्कुल रेडी, अभी बाल भी गीले ही अभी तक मेरे। तो अभी पहले हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं। ओ भाई, तो मेरा परसेंटेज है 94, नहीं उसमें 40 कम, 54 है मेरा परसेंटेज। थोड़ा मूड खराब कर दिया। तो ये भी सही है, लेकिन एक बार आप लोग देख लो। तो मेरा रिजल्ट ये है, आप लोग रुक जाओ, 54.33। ये भी बहुत सही है मेरे लिए, ज़्यादा भी नहीं पड़ता था, बहुत कम भी नहीं पड़ता था, लेकिन जितना भी पड़ता था पास होने के लिए पड़ता था और पास हो गया। One hour later. तो भाई अभी अभी एक बहुत मस्त प्लान बना है। तो शाम के टाइम, अभी तो बहुत धूप है, तो शाम के टाइम मैं और मेरा एक दोस्त है गांव का, हम लोग जाने वाले हैं थोड़ा घूमने खाने पीने। तो आप लोगों को पता होगा कि मैं गांव में हूँ, जिन लोगों को नहीं पता आप पता चल गया होगा। इस इतने दिन से मैं वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ गांव में, क्योंकि मैं एक काम के लिए आया था, वो काम मेरा अब जाके हुआ है। तो ये पहली वीडियो है मेरे गांव आने के बाद। और एक सेकंड, फ़ोन आ रहा है, अदनान भाई का फ़ोन आ रहा है। अदनान भाई का फ़ोन आप लोगों को मैं सुनाता हूँ। हेलो वालेकुम अस्सलाम, और भाई कैसे हो? तो ठीक हुआ यार, मतलब ये रिजल्ट आया ना, कितना आया? 356 आया। अरे साफ साफ अल्फाज में परसेंटेज बता कितना आया? 54 आया। तो अदनान भाई के कॉल के बाद मेरे को एक कॉल और आया था, जो कि था अभिषेक भाई का। और उनके बाद भी मुझे एक कॉल आया था, भिवंडी ब्लॉगर जिनका पेज है उनका कॉल आया था। तो अभिषेक भाई के कॉल की तो मेरे पास वीडियो है, लेकिन जो भिवंडी ब्लॉगर की तरफ से मुझे कॉल आया था उसकी मेरे पास वीडियो नहीं है, सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग है। तो आप लोग दोनों सुनो। अभी अभिषेक भाई का कॉल आया है, मैं एक बार बात कर लेता हूँ। हेलो हेलो भाई, रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट, अरे हाल बताओ पहले। अरे हाल तो बाद में भी पूछ सकते हैं। अच्छा क्या आया वो तो बताओ। 54.33 है। The next day. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, और भाई कैसे हो? मैं एकदम मस्त भाई। रिजल्ट क्या आया तुम्हारा? तुम भी रिजल्ट के लिए फोन किए हो? हाँ, तो आज को सिर्फ रिजल्ट के लिए कॉल आएगा तुमको? हाँ वो तो है। हाँ वैसे क्या आया बताओ तो सही। 54% आया भाई। बाइक को कभी भी धीरे स्पीड पे रखने का, एकदम धीरे चलाने का, बाइक कभी भी तेज नहीं चलाने का। अभी मैं जो स्पीड में वो स्पीड में हमेशा आप लोगों को बाइक चलाना चाहिए। क्या क्या मतलब साइकिल है और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। मैं अभी उस सायगंज कुसेरा बाजार में, इसको आप लोग गूगल पे सर्च। तो ये शाहगंज कुचेरा बाजार है, आप लोग गूगल पे सर्च करो, आप लोगों को मिल जाएगा भाई। शुक्रिया। तो आप लोग गूगल पे सर्च करो, आप लोगों को मिल जाएगा शाहगंज कुचेरा। और मैं भी आया फिलहाल एक हवेली में, दरवाज़ा देख सकते हो, बहुत बड़ा दरवाज़ा है, बहुत बड़ा दरवाज़ा है। तो इसकी एक पर्टिकुलर अलग वीडियो बनाऊँगा मैं, क्योंकि व्यूज़ भी तो ज़रूरी है। तो
अभी जा रहा हूँ फिलहाल मैं कुछ खाने पीने, खाने पीने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। चलो उधर गर्मी बहुत हो रही, पसीना बहुत है, तो वीडियो में थोड़ा संभाल लेना। और जो मैं दोस्त की बात कर रहा था वो ये है, इसका नाम विपिन है। इसको आप लोगों ने वीडियो में नहीं देखा होगा क्योंकि मैं गांव में वीडियो ही नहीं बनाता हूँ, फिर भी इस बार बना रहा हूँ तो इसको ले लिया हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने, चलो जा रहे थे। और रास्ते में यहाँ पे एक तालाब है, और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ पुराने घर है, तो पुरानी जगह को एक्सप्लोर करने बहुत मज़ा आता है। आप लोगों को पता है हम लोग कितनी पुरानी जगह पे गए हैं, ये सब बहुत बहुत पुराना है, ये फट रही है। तो ये सब बहुत पुराने इधर आप लोग एक ये सब चीज़ों की मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। अभी गांव में मैं बहुत दिन हूँ, जब तक रुकूंगा ये सब चीज़ों की मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। इंतज़ार करना, चैनल पे ज़रूर आएगा, सब्सक्राइब करके रख लो। तो अभी बहुत देर से बोल रहा हूँ कुछ खाने चलते अभी जा ही रहा हूँ मैं खाने। पहले मैं थोड़ा रील वीडियो शूट कर रहा था यहाँ पे, वो कर लेता हूँ फिर मैं निकलता हूँ। चलो तो वहाँ से निकलने के बाद पहले तो हम लोग गए बर्गर खाने, देसी बर्गर, और बहुत मस्त बर्गर था, मज़ा आ गया खा के। फिर खाने के बाद प्यास तो लगती है, तो हम लोग गए आम का जूस पीने, और जूस पीने के बाद हमारे साथ एक साथी और जुड़ गया था, तो हम लोग निकल गए। एक जगह थी जहाँ इन लोग कह रहे थे कि एक बार घूम के आ जाते हैं, और वो जगह के रास्ता कुछ इस तरह था कि पैदल जाना पड़ रहा था, और मेरी तो हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग साइकिल से आराम से गए, वहाँ से फिर पहुँच गए थे हम लोग। और पहुँचने के बाद मुझे पता चला, मतलब विपिन ने बताया कि ये जो जगह है यहाँ पे एक रानी हुआ करती थी जो कि सुरंग से आती थी और यहाँ नहा के और सुरंग से ही वापस चली जाती थी। ये वो सुरंग है जो सुरंग की बात कर रहा था विपिन। हम लोग तो बहुत ज़्यादा अंदर गए तो डर के निकल गए थे क्योंकि बहुत अंधेरा था अंदर। अंदर एक जगह और थी जहाँ पे शायद कहते हैं इसमें तीन लड़कियां भी गई थी जो कभी वापस आई नहीं, तो हम लोग तो डर के भाग गए थे बाहर। आउट्रो करने का सोचे लेकिन बैकग्राउंड में आवाज़ बहुत थी। तो कल हम लोग जहाँ घूमने गए थे वहाँ से आते आते मुझे बहुत लेट हो गया था, मेरा मोबाइल भी डेड हो गया था, तो मैं और वीडियो नहीं बना पाया। तो वहाँ से आने के बाद तो मैं डायरेक्ट खाना पीना खा के सो गया था, फिर अभी मैं उठा हूँ और यहाँ पे आके नहाया हूँ। और जो भी लोग फेल हुए हैं वो पहले तो ये वीडियो देखो। जो लोग फेल हुए वो भी टेंशन नहीं लेने का, 11वीं मैं भी फेल हुआ था तो टेंशन नहीं लेने का, होता है। और जो लोग मेरी तरह पास हुए वो ये देखो। देखो यार, जितना याद आया उस वक्त उतना लिख के आए हैं, जितनी हमारी औकात थी उससे 3 नंबर ज्यादा लाए हैं, पास हो गए। वो हम जानते हैं कि तुम्हारी लड़की से 6 नंबर कम आए, हम जानते हैं, पर हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारी लड़की अलग अलग 6 लड़कों से एक साथ ट्यूशन लेती थी, उसी का नतीजा है ये। हमने कहा था कि हमको भी ऐड कर ले, ट्यूशन देंगे, 2-4 नंबर और ज़्यादा आ जाएंगे, मगर मानी नहीं। ठीक है, वो अलग बात है, किसी और दिन बात करेंगे इस बारे में। मगर रिजल्ट के पहले पापा 11 Pro Max 512 GB वाले के लिए मांगे थे, पर अभी 8 दिला रहे हैं 32 GB 8 Pro रियलमी 8 Pro। मगर उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको चल जाएगा, ठीक है। मगर जब तक हमारा नया फ़ोन हमारे घर पर नहीं आ जाता तब तक तुम साले घर पर फ़ोन मत करना, और अगर कर रहे हो तो बात करना, बकचोदी नहीं, ठीक है। रखा फोन भाई, पास हो गया, बहुत मज़ा आया मुझे। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।